दोस्तों, आज बात करना चाहेंगे हम राजस्थान पुलिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस की 5,390 पदों की भर्ती निकल चुकी है। आप इसे police.rajasthan.gov.in पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे रिक्वायरमेंट्स एंड रिजल्ट्स, इसमें रिक्वायरमेंट्स दे रखा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया टैब ओपन होगा जिसमें ऊपरी ऊपर नोटिफिकेशन दे रखा है, नोटिफिकेशन ऑफ राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2017। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए आप राजस्थान पुलिस रिक्वायरमेंट्स वेब पोर्टल लिंक पे क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, जैसे हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो इसकी हम डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 5,500 पदों की भर्ती के लिए दे रखा है, जिसमें से कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल ऑपरेटर के लगभग 5,390 पदों के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बात करें दोस्तों इसके हम महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 अक्टूबर 2017 से शुरू हो चुके हैं, यानी कि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं जो कि 21 नवंबर 2017 तक भरे जाएंगे। और इसका जो पेमेंट है यानी इसकी फीस, वो भी 23 अक्टूबर 2017 से 21 अक्टूबर 2017 तक जमा होगी, जो कि आप ई मित्रा से कर सकते हैं। ई मित्र पे ही आप फॉर्म वगैरह लगा सकते हैं। अगर खुद भी ऑनलाइन लगाना चाहें फॉर्म, तो आपको बताया है कि यहाँ पे ऊपर जो लिंक दे रखा है राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे, इस पे क्लिक करके आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ होम पे आके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बात करें इसके परीक्षा तिथि की, इसके एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होने की तिथि वो दे रखी है 25 नवंबर 2017, यानी यह संभावित है टेंटेटिव डेट। और यह है परीक्षा जब शुरू होगी तब तक एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि के बारे में यहाँ दे रखा है कि 1st week of December 2017, यानी यह संभावित तिथि है कि दिसंबर के शुरुआत में इसकी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं हम सबसे पहले कि सामान्य व पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिए 400 रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 350 रुपये हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो ई मित्र और जन सुविधा केंद्र से अगर फॉर्म लगाते हैं तो 26 रुपये आपको अतिरिक्त देने पड़ते हैं। बाहरी राज्यों के लिए यानी अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं, उनका शुल्क 400 रुपये देय होगा। यानी कि राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, तो उन सबको यहाँ पे सामान्य वर्ग के छात्रों के अंदर माना जाता है और उन्हीं के अनुसार इनकी फीस ली जाएगी। और प्रवेश पत्र के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि वह 25 नवंबर से शुरू हो जाएंगे, जो कि परीक्षा तक है। लेकिन दोस्तों, वह केवल एक संभावित तिथि है। आप इनके रिक्त पदों का विवरण कि आप कौन से जिले से या कौन से कमिश्नरेट से भरना चाहेंगे, वो है आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी या जो भी आवेदक जो राजस्थान पुलिस में नियुक्ति चाहते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो आप फॉर्म जल्द से जल्द लगा दें, क्योंकि बाद में कई बार होता है कि सर्वर सही नहीं चल रहा है, फॉर्म लगाने में देरी हो जाती है, कई और कारण हो जाते हैं जिनसे कि आप फॉर्म लगाने से वंचित रहें। तो जो भी आवेदक फॉर्म भरना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें। जल्द ही हम आप सभी के लिए जीके अभी पे इससे संबंधित वीडियो लाएंगे, जिनमें कि आपको राजस्थान का कल्चर, राजस्थान जीके। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कुछ दे रखा है कि राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिला पुलिस इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सेकेंडरी या 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा, जबकि आरएसी बटालियन और महाराणा प्रताप बटालियन के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल और बोर्ड से 8वीं, जबकि महाराणा प्रताप बटालियन पुलिस दूर संचार ऑपरेटर के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हायर सेकेंडरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय, अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा, यानी कि जो 12वीं तक की परीक्षा होती है जिसमें कि आपके पास फिजिक्स हो, वह इसके लिए अनिवार्य है। और कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता है तो आवेदक को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो हम जो कि सामान्य वर्ग के लिए लगभग यहाँ पे 2 जनवरी 1995 दे रखी है कि 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। वहीं SC ST और OBC के लिए है कि 2 जनवरी 1990 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई तो वही है 168 सेंटीमीटर।
और सीना भी बिना फुलाए 81 सेमी, यानी फुलाव कम से कम 5 सेमी का होना चाहिए। वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, ये केवल महिलाओं के लिए। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जबकि वजन उनका लगभग 47 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के बारे में हम बता रहे थे कि इस बार जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, जिसके अंदर की पहले 10 किलोमीटर की दौड़ हुआ करती थी, उसे घटाकर अब 5 किलोमीटर कर दिया गया है। लिखित परीक्षा दोस्तों 75 नंबर की होगी। आज के वीडियो में इतना ही है कि जो भी लोग कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो उन सब से बचें। और जीके अभी पे हम राजस्थान पुलिस से संबंधित मॉडल पेपर और प्रश्नों का समावेश लेकर आएंगे। धन्यवाद।